एपिसोड के स्टार्टिंग में लूफी पावली से कहता है कि सुनो रस्सी वाले आदमी, प्लीज हमें एक शिप दे दो या फिर कोई ट्रेन हो तो वो बताओ। जिसे सुनकर पावली ने बोला, पूरी दुनिया में बस एक ही सी ट्रेन है जो कि टॉम की थी, जिसे टॉम की टीम ने बनाया और वही था दुनिया का सबसे अच्छा शिप राइट। लूफी ये सुनकर कहता है कि अगर ट्रेन नहीं है तो फिर शिप ही दे दो। जिसे सुनकर पावली कहता है कि पागल मत बनो, कोई शिप तुम्हें आगे तक नहीं ले जा सकती और अगर तुमने सबसे अच्छी शिप ले भी ली तब भी तुम सेल नहीं कर सकते, वो चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, वो आगे चलकर टूट जाएगी। और हाँ, इस साल की एक्वा लगूना पहले से ज़्यादा बड़ी थी तो अब तो कोई भी चांस नहीं कि तुम एनीज लॉबी जा पाओ, तो फिर इसलिए सुबह का इंतज़ार करो, एक बार तूफान चला जाएगा फिर मैं तुम्हें खुद ही शिप दे दूँगा। और हाँ, तुम सब लोग भी यहाँ से किसी ऊपर के इलाके पर चले जाओ, इस जगह पर हम ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकते। पीछे से नामी ये सब सुनकर कहती है कि अगर हम सब ने सुबह तक का इंतज़ार करा और यहीं पर रुके तो क्या रॉबिन ठीक रहेगी, वो भी एनीज लॉबी में। और अगर तुम्हें लगता है कि हाँ तो सुनो, एनीज लॉबी वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के आइलैंड में से एक है और पता है क्या, ये वही जगह है जिसे कहते हैं गेट ऑफ जस्टिस। जिसे सुनकर जोरो कहता है कि क्या गेट ऑफ जस्टिस? नामी ने बोला, हाँ गेट ऑफ जस्टिस, जो कि है जस्टिस का आइलैंड एनीज लॉबी। वहाँ पर बस तुम कोर्ट के ऑर्डर से ही जा सकते हो और एनीज लॉबी में जाने का सीधा मतलब ये है कि तुमने अपराध किया है और तुम एक अपराधी हो, और वहाँ जो भी जाता वो कभी भी वापस लौट कर नहीं आ पाता। एनीज लॉबी में डिसाइड होगा कि तुम दो में से कौन सी जगह पर जाओगे, या तो तुम जाओगे नेवी के हेडक्वार्टर में जो कि नेवी का बेस है, या फिर तुम दूसरी जगह पर जाओगे जहाँ पर सबसे ज़्यादा खतरनाक अपराधियों को कैद में रखा जाता है, द ग्रेट प्रिजन इम्पल डाउन। और इस सब के बाद नामी ने बोला, एनीज लॉबी में जाना मतलब कभी भी वापस ना आ पाना, और ऊपर से रॉबिन के सर पर पहले से एक बड़ी बाउंटी भी थी, और अगर हमने यहाँ पर टाइम बर्बाद किया तो वो सब उसे गेट ऑफ जस्टिस तक ले जाएंगे, इसलिए हम सब सुबह तक का इंतज़ार नहीं कर सकते। पावली ये सुनकर कहता है कि हाँ तुमने सही बोला, पर तुम सब पायरेट्स हो और एनीज लॉबी में जाना मतलब कि वर्ल्ड गवर्नमेंट से सीधा पंगा लेना। कोई भी पायरेट वहाँ पर नहीं जाना चाहता क्योंकि उन्हें पता है कि वहाँ पर क्या होगा। तो क्या तुम सब लोग सच में वर्ल्ड गवर्नमेंट से लड़ाई करोगे? लूफी ये सब सुनकर बोला, अगर तुम शिप नहीं दोगे तो हम उसे चुरा लेंगे, पर चाहे कुछ भी हो आज रात ही एनीज लॉबी जाएंगे, हम अभी सेल करेंगे क्योंकि हमारे सभी के सभी दोस्त हमारा इंतजार कर रहे हैं। और सब लोग ये सुनकर बोले, क्या वो सच में वर्ल्ड गवर्नमेंट से लड़ाई करेंगे? पावली ये सुनकर कहता है कि ठीक है, पर अगर जाना चाहते हो तो पहले मेरे से लड़ाई करनी होगी क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम वहां पर जाकर मर जाओ। और तभी पीछे से दादी कोकोरो ने बोला, सुनो स्ट्रॉ हैट, पावली ने बिल्कुल सही बोला, तुम एनीज लॉबी तक नहीं जा सकते, पर अगर तुम सच में वर्ल्ड गवर्नमेंट तक जाना चाहते हो तो तुम्हें टॉम की सी ट्रेन की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर तुम सच में मरने के लिए तैयार हो तो मेरे पीछे आओ, मैं तुम सबको एनीज लॉबी ले जाऊंगी, वो भी सी ट्रेन से। फिर यहाँ पर शांजी को दिखाया गया जो ट्रेन के आगे वाले हिस्से में चला गया और फिर सीधा आगे जाने लगा, जिसे देखकर उनमें से एक कहता है कि इसे देख क्या रहे हो, जाकर इसे पकड़ो, पर इस सबसे पहले वो कुछ कर पाते शांची ने उन सबको मार दिया। पीछे से दो लोग उसे देखकर कहते हैं कि तुम तो गए, पर इस सबसे पहले वो और कुछ बोल पाते शांची ने उन दोनों को भी मार दिया। और ये क्या, उसॉप और फ्रेंकी तो यहीं पर हैं। जिसे सुनकर उसॉप ने बोला, ओ शांची तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? शांची ने बोला, ये तो मुझे पूछना चाहिए, तुम यहाँ पर कैसे? और तभी शांजी की नज़र एक ट्रांसपोंडर स्नेल पर गई और वो बोला, आखिरकार मैं अब नामी सान से बात कर पाऊंगा। ओ हाँ, वैसे उसॉप ये कौन है? फ्रेंकी बोला, मैं हूँ वाटर सेवन का राजा फ्रेंकी। और शांजी ने ये सब सुनकर उसे एक लात मार दी और फिर बोला, अच्छा तो तू है फ्रेंकी। उसॉप शांजी को रोक कर कहता है कि शांजी वो बुरा नहीं, उसने तो मैरी को भी बचाया था। पीछे से फ्रेंकी कहता है कि हाँ वैसे ये सब छोड़ो और मुझे यहाँ से बाहर निकालो। जिसे सुनकर शांजी ने बोला,
नहीं, मैं ये नहीं करूँगा। तुमने हमारे पैसे लिए थे, है ना? और इस सब के बाद उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई, और इस सब की वजह से आगे वाले हिस्से का एक नेवी ऑफिसर उठ गया, जिसका नाम है टीबोन। फिर यहाँ पर दादी कोकोरो को दिखाया गया, जो कहती हैं कि 8 साल हो गए और मैंने इस कमरे को नहीं खोला। जिसे सुनकर लूफी ने बोला, चलो चॉपर अंदर चलें। पीछे से दादी कोकोरो ने बोला, पर तुम चाबी के बिना यहाँ पर नहीं जा सकते। पर ये क्या, दरवाजा तो पहले से ही खुला था। और लूफी उस बड़ी सी ट्रेन को देखकर काफी ज्यादा चौंक गया और बोला, ये तो कमाल की है। दादी कोकोरो ने बोला, टॉम ने 2 सी ट्रेन बनाई थी, पर ये ट्रेन खराब थी, इसलिए उसने इसे यहाँ पर रख दिया। इसका नाम है रॉकेट मैन। जिसे सुनकर लूफी कहता है कि क्या, रॉकेट मैन? और तभी पीछे से आइसबर्ग उस ट्रेन में से निकला। लूफी उसे देखकर कहता है कि क्या आइसक्रीम सैन आप यहाँ पर? जिसे सुनकर आइसबर्ग ने एक स्माइल करी और फिर बोला, तो फिर तुम्हारी दोस्त ने बिल्कुल सही बोला था कि तुम ठीक हो जाओगे। दादी उसे देखकर बोली, आइसबर्ग तुम कैसे हो और वैसे यहाँ पर क्यों आए? जिसे सुनकर आइसबर्ग कहता है कि हम दोनों यहाँ, इसका मतलब हम दोनों एक ही चीज सोच रहे होंगे। और इसके बाद वो बोला, मैंने तुम्हारे लिए इसे ठीक कर दिया। जब तुम्हारी दोस्त ने बोला कि वो ठीक हो जाएंगे, तब मुझे पहले तो विश्वास नहीं हुआ, पर मैंने तब भी इसे ठीक कर दिया। और अब क्योंकि तुम यहाँ पर आ गए, तो तुम जा सकते हो, पर हाँ, मैं गारंटी नहीं ले सकता कि तुम बचोगे या फिर नहीं। लूफी ये सब सुनकर कहता है कि आपका शुक्रिया आइसक्रीम सैन। और इस सब के बाद वो ऊपर चला गया और बोला, वैसे मुझे काफी ज्यादा भूख लग रही थी। और दूसरी तरफ नामी तेजी से वहां पर खाना लेकर आ गई। लूफी उसे देखकर बोला, नामी तुम कहां पर थी? ये कोई टाइम है इस कबाड़े को लाने का? नामी बोली, इसमें खाना था। लूफी बोला, अरे सॉरी, तुमने बहुत बढ़िया करा। और तभी पीछे से वहां पर फ्रेंकी के साथी भी आ गए, जो बोले, सुनो, हमने सुना कि तुम सब एनीज लॉबी जा रहे हो, तो प्लीज हमें भी ले चलो, हमें अपने भाई को बचाना है। नामी ये सुनकर बोली, पर क्या तुम्हें नहीं याद कि तुमने हमारे साथ क्या क्या करा था? जिसे सुनकर वो सब नीचे झुक गए और फिर बोले, सुनो, हमारा फ्रेंकी के अलावा और कोई नहीं, मैं भीख मांगता हूँ, प्लीज हमें भी अपने साथ ले चलो। और ये कहने के बाद वो रोने लगा। जिसे देखकर पीछे से लूफी ने बोला, अगर जाना चाहते हो तो फिर जल्दी आ जाओ। और वो सब ये सब सुनकर काफी ज्यादा खुश हो गए और बोले, तुम्हारा शुक्रिया। आइसबर्ग ने उन्हें देखकर एक स्माइल करी और इसी सब के साथ सी ट्रेन भी चल गई। और ये क्या, पाउली भी उसी ट्रेन में है। यहाँ पर लूफी कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया वाटर सेवन, हमें यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। और हाँ, अलविदा, हम अपने दोस्तों को बचाने जा रहे हैं।